कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज दोपहर 3:30 बजे बैठक। बिहार, झारखंड, एमपी, तमिलनाडु और यूपी की कुछ सीटों पर होगा मंथन। कांग्रेस आज जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम की तीसरी लिस्ट। अब तक 82 उम्मीदवारों के नाम का कर चुकी है ऐलान कांग्रेस। सीसी की बुधवार को हुई बैठक में गुजरात की 15 सीट पर उम्मीदवार तय। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 7 और राजस्थान की 5 सीट पर भी उम्मीदवार फाइनल किए गए। सूत्रों के मुताबिक सुशील शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे महाराष्ट्र के सोलापुर से लड़ सकती है चुनाव। नाना पटोले और विजय वेडेट्टीवार को भी लड़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात के राजकोट से परेश धानी और साबरकांठा से तुषार चौधरी को मिलेगा टिकट, जबकि आनंद से अमित चावड़ा और छोटा उदयपुर से सुखाराम राठवा को लड़ना तय। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस राजस्थान के दौसा से मुरारी मीणा और जयपुर से सुनील शर्मा को मैदान में उतार सकती है, जबकि श्रीगंगानगर से कुलदीप इंदौर हो सकते हैं उम्मीदवार। कांग्रेस ने राजस्थान में 9 सीट पेंडिंग रखी है। इन सीटों पर अलायंस के लिए हो रही है चर्चा। उम्मीदवारों के चयन पर बोले सचिन पायलट, कांग्रेस सीईसी ने अच्छी छवि वाले और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को चुना। सीईसी की बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया, महाराष्ट्र में 18 से 19 सीट पर चर्चा हुई, कम से कम 12 सीट फाइनल कर ली गई। नाना पटोले के मुताबिक शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ आज होगी अंतिम चर्चा। अगले 2 दिन में सभी सीटों का किया जाएगा ऐलान। महाविकास अघाड़ी की आज सुबह 10 बजे शरद पवार के निवास पर बैठक। सीटों के बंटवारे पर होगा अंतिम फैसला। शरद पवार की अध्यक्षता में होने वाली एमवीए की बैठक में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बड़े नेता होंगे शामिल। प्रकाश अम्बेडकर को बैठक का नहीं मिला न्योता। मुंबई में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने सुबह 11 बजे बुलाई पार्टी पर बैठक। एनडीए में शामिल होने का आज कर सकते हैं ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी ने राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात पर कुछ भी कहने से किया इनकार। कहा, मुझे किसी से मिलने से कोई लेना देना नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने जल्द ही महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान पर दिया भरोसा। कहा, अभी सिर्फ हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से उम्मीदवार की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव में हुई औरंगजेब की एंट्री। संजय राउत ने बुलढाणा की जनसभा में पीएम मोदी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की। संजय राउत ने कहा, पीएम मोदी का जन्म उस गुजरात में हुआ है जहां दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ था, इसलिए पीएम मोदी की सोच औरंगजेब वाली है। संजय राउत के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की तुलना औरंगजेब से की। कहा, जिनकी सोच औरंगजेब वाली है वो लोगों को डराकर पार्टियां तोड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, पीएम मोदी कहते हैं अकेला सब पर भारी, तो आप सभी तरफ से कूड़ा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने औरंगजेब पर खुद दिया जवाब। कहा, एक तरफ हम विकास के लिए 100 दिन का प्लान बना रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष ने मुझे आज 104वीं गाली दी, मुझे औरंगजेब कहा गया। संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। पूछा, औरंगजेब की कब्र में आंसू बहाने वाले कौन है, उसके नाम पर सियासत करने वाले कौन है। पीएम की तुलना औरंगजेब से करने पर भड़के महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत। कहा, संजय राउत बौखला गए हैं, नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे पीएम। संजय राउत के औरंगजेब वाले बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का सवाल। पूछा, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले कहां पैदा हुए थे। 22 मार्च को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट पर लग सकती है मुहर। लोकसभा चुनाव के लिए सपा की नई लिस्ट आई। संभल के जियाउर रहमान बर्क और पीलीभीत से भगवंत सरन गंगवार को टिकट। गौतम बुद्ध नगर से सपा ने बदला प्रत्याशी। राहुल अवाना को बनाया गया उम्मीदवार। घोसी से राजीव राय और बागपत से मनोज चौधरी को टिकट। सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल। कहा, यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन मजबूत, मिलकर बीजेपी को हराएंगे। चुनाव से पहले पार्टी बदलने का दौर जारी। अभय कुशवाहा ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। कहा, आरजेडी को करेंगे मजबूत। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा, प्रदेश की सभी 40 लोकसभा सीटें जीतेंगे, कोई कहीं भी ज्वाइन करे फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तंज। एक भी सीट जीतने की हालत में नहीं इंडिया अलायंस, इसलिए नहीं हो पा रहा सीट बंटवारा। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय। बिहार के पूर्णिया से चुनाव लड़ सकते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने कहा, तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे राहुल गांधी, उन्होंने देश का दिल जीता। पटना में आरजेडी संसदीय दल की बैठक। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। लालू यादव करेंगे अंतिम फैसला। सीट शेयरिंग पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, अच्छे माहौल में हो रही है बातचीत, जल्द होगा ऐलान। चिराग पासवान होंगे हाजीपुर एनडीए के उम्मीदवार। कहा, 3 से 4 दिन में होगा उम्मीदवारों का ऐलान। वैशाली से अमर पांडे की पत्नी विनीता को टिकट दे सकते हैं चिराग पासवान। मौजूदा सांसद वीना सिंह से नाराज है पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी से किया इनकार। कहा, बिहार में एनडीए जीतेगा 40 की 40 सीट। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का दावा, राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें जीतेंगे। राजस्थान के चुरू में बीजेपी कार्यकर्ताओं की क्लस्टर मीटिंग। सीएम भजन लाल शर्मा हुए शामिल। राजस्थान में प्रहलाद गुंजल की बीजेपी छोड़ने की अटकलें तेज। एक्स से मोदी का परिवार बायो हटाया, कांग्रेस में जा सकते हैं गुंजल। असम के बारपेटा से सांसद अब्दुल खालिक ने बदला फैसला, वापस दिया कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा।
प्रतिभा सिंह ने मंडी संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने से किया इनकार, कहा 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतना जरूरी। झारखंड में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने की संभावना, स्टेट यूनिट ने रांची, हजारीबाग, राजमहल, चतरा, गोड्डा और गिरनी की 6 सीट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हरियाणा बीजेपी, राज्य चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हुए मनोहर लाल खट्टर और सीएम सैनी। जेजेपी चीफ दुष्यंत चौटाला का बयान, हमारे कार्यकर्ता हरियाणा के घर घर जाएंगे, लोगों को जोड़ने की करेंगे कोशिश। बीजेपी कैंडिडेट राजेश मिश्रा ने सीधी सीट से दाखिल किया नामांकन, सीएम मोहन यादव और प्रहलाद पटेल रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी का चुनावी कैंपेन शुरू, राज्य बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने एलईडी लगी चुनावी रथ को रवाना किया। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, शक्ति वाले बयान पर जताई आपत्ति। भूटान के पारो में खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी का दौरा टला, आज से 2 दिवसीय दौरे पर जाने वाले थे पीएम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज ईडी के सामने पेशी, दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में पूछताछ के लिए तलब किया गया। सीएम केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी पर अभी सस्पेंस, ईडी पूछताछ के लिए अब तक भेज चुकी है 9 समन। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं, ईडी की कार्रवाई पर रोक से इनकार, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल से सवाल, पूछताछ के लिए पेश क्यों नहीं हुए केजरीवाल, केजरीवाल ने ईडी समन को दी थी चुनौती। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, हाईकोर्ट ने केजरीवाल को आईना दिखाया, जांच एजेंसियों को सामने पेश होने को कहा। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, याचिका पर पुरजोर विरोध कर रही थी ईडी, पर कोर्ट को देना होगा जवाब। बीआरएस नेता के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका, शराब घोटाले केस में अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती, 22 मार्च को होगी सुनवाई। जल बोर्ड फंड के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार, 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। बदायूं डबल मर्डर मामले में आरोपी जावेद पर यूपी पुलिस ने 25,000 के इनाम का ऐलान किया, पुलिस की 5 टीम लगातार डाल रही है रेड। बदायूं मर्डर के मुख्य आरोपी साजिद के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, 15 दिन के अंदर डीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी ने बदायूं में बच्चों की हत्या की कड़ी निंदा की, कहा बच्चों का कत्ल कोई इंसान नहीं कर सकता, अपराधियों को कानून से सजा दीजिए। बदायूं की घटना पर बोले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, यूपी में है जंगल राज, सीएम योगी को देना चाहिए इस्तीफा। एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपा सकती योगी सरकार, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो है, अखिलेश यादव का बयान। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा, एनकाउंटर के बाद अब कैसे होगा केस का खुलासा। सपा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज का पलटवार, कहा गिरते जनाधर की वजह से ऐसी बातें कर रहे अखिलेश। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को हुई हिंसक झड़प के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस का घेराव कर जमकर नारेबाजी की, पुलिस के आगे बढ़ने से रोकने पर कार्यकर्ताओं ने की धक्का मुक्की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे दिनहाटा, गवर्नर ने दिनहाटा में हालात का लिया जायजा, दिनहाटा में 2 पक्षों में हुई थी झड़प। सीवी आनंद बोस ने दिनहाटा में लोगों से की बातचीत, कहा हिंसा के खिलाफ सभी लोग एकजुट है, यहाँ एक प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक सबक है। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का भारत में चीफ हारिस फारूकी गिरफ्तार, असम एसटीएफ ने धुबरी में धर्मशाला में बांग्लादेश बॉर्डर के पास गिरफ्तार किया। हारिस फारूकी के साथ उनका साथी रेहान भी गिरफ्तार, असम एसटीएफ ने हारिस और रेहान को एनआईए के हवाले किया। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने 2 तस्करों को किया अरेस्ट, पुलिस ने तस्करों के पास से 80 किलो गांजा बरामद किया। पेपरली के बाद बिहार लोक सेवा आयोग का फैसला, 15 मार्च को हुई दोनों पालियों की परीक्षा रद्द हो गई। पंजाब नार्को टेरर केस में हत्या का मामला, पुलिस ने 2 खालिस्तानियों की प्रॉपर्टी जब्त की। मुंबई एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री अरेस्ट, सैंडल में छिपा कर रखा हुआ था 240 ग्राम सोना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, एक संदिग्ध को पकड़ा, हैंड ग्रेनेड और गोलियां बरामद की गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में होली मिलन समारोह में हुए शामिल, होली के गीतों पर थिरकते हुए नजर आए सीएम धामी। काशी विश्वनाथ मंदिर में खेली गई रंग भरी एकादशी पर होली खेलने वाली भारी संख्या में मंदिर पहुंचे भक्त, लोगों ने एक दूसरे पर गुलाल फेंक कर जमकर खेली होली। राजस्थान के जयपुर में तेजी से बनाए जा रहे हैं गुलाल गोटा, राज परिवार में खेला जाता है गुलाल गोटा से होली, आम लोगों में भी बढ़ रहा है गुलाल गोटा से होली खेलने का प्रचलन। जयपुर में राजघरानों के लिए 400 साल से परिवार बना रहा गुलाल गोटा, गुलाल गोटा में गुलाल भरकर एक दूसरे पर फेंक कर लोग खेलते हैं होली। कचनार के फूलों से बने गुलाल से होली खेलेंगे रामलला, सीएसआईआर एनबीआरआई के वैज्ञानिकों ने किया तैयार। जम्मू कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन खोला गया, गार्डन में हो रही है तैयारी, भारी संख्या में लगाए जा रहे हैं ट्यूलिप के पौधे। 31 मार्च को रविवार को होने के बावजूद सभी बैंक की शाखाएं खुली रहेंगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया निर्देश। असम में सेमीकंडक्टर बनने से असम वर्ल्ड मैप पर आएगा, रत्न टाटा का बयान।
आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे सोनू निगम, अक्षय टाइगर और एआर रहमान। 22 मार्च को चेन्नई बेंगलुरु के बीच मैच से पहले होगी सेरेमनी। चिपक स्टेडियम में लेजर शो का भी आयोजन किया गया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा कैंप में पहली बार मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ दिखे। ट्रेनिंग के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर गले लगाया। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी आईपीएल की तैयारियों में जुटे। ट्रेनिंग सत्र में बल्लेबाजी करते हुए अपना आइकॉनिक हेलीकॉप्टर शॉट लगाया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, किदांबी श्रीकांत और लक्ष्य सेन स्विस ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। सिंधु का दूसरे दौर में जापान की शटलर से होगा मुकाबला।